कोविड वैक्सीन लगवानी कितनी ज़रूरी है, ये आज हम आपको दिखाएंगे कि एक बच्चा जो स्पेशली एबल्ड है उसने कोविड वैक्सीन लगवाई है। कोविड वैक्सीन तो सब लगवा रहे हैं, लेकिन इस बच्चे के जज्बे को हम सलाम करेंगे। इस बच्चे ने वैक्सीन सेंटर पर जाकर कोविड वैक्सीन लगाई है। यशु हमारे साथ हैं, आप देखिए कि ये स्पेशल एबल्ड होने के बाद भी देखिए इस बच्चे के हौसले को सभी सल्यूट करेंगे कि जिस तरह से इसने, देखिए ये पेंटिंग अपने पाँव से बना रही है। और इनके पिता का कहना था कि इसने ज़िद की कि मैं कोविड वैक्सीन सेंटर पर जाके ही लगाऊंगी। हालांकि इससे पहले भी 120 वर्षीय हमारी ठाकरी देवी जो लाठी से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने भी कोविड वैक्सीन लगवाई। और उसके बीच में देखिए उधमपुर ज़िला की अगर बात करूं, पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। इस बच्चे ने जिसका जज्बा देखिए आप, इसने कहा कि मैं सेंटर पर कोविड वैक्सीन सेंटर पर जाकर ही वैक्सीन लगाऊंगी। इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से बच्चे ने ये कहा कि मैं कोविड वैक्सीन वहाँ ही लगाऊंगी। हालांकि कोविड वैक्सीन सेंटर पर खबर करना अच्छा नहीं था। हमने इनके साथ संपर्क किया और घर में हम आए हैं, और आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग जो हैं कोविड जो वैक्सीन है वो नहीं लगवाते हैं, लेकिन इस तरह के लोग ये प्रेरणा का स्रोत हैं। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष के लिए इस बच्चे ने जो है कोविड वैक्सीन लगवाई है, ये कहने के ही काबिले तारीफ़ है। हालांकि लोग वैक्सीन तो लगवा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी बच रहे हैं कोविड वैक्सीन लगवाने से। लेकिन जिस तरह से इस बच्चे ने वैक्सीन लगवाई, सर सबसे बड़ी बात है कि आपका बच्चा, आपके लिए बहुत गर्व की बात है कि इस बच्चे ने वैक्सीन लगवाई है और ये ज़िद की कि ये सेंटर पर जाकर लगवाएगी, क्या कहेंगे? एक्चुअली ये सबसे पहले वैक्सीन इसकी मदर ने लगवाई थी, तो उसके बाद मैंने वैक्सीन लगवाई। मैंने रोटरी में जाके वहाँ पे हमने पेमेंट पे लगवाई थी, तो उसके बाद जब इसको पता चला कि ये इन्होंने लगवाई है रोटरी हॉस्पिटल में जाके, तो वो तब से ही पाँव से इशारा करके ऐसे बताती थी कि वो मेरे को कब लगेगा। क्या ये खबरों में देखती थी कोविड वैक्सीन? जिस तरह न्यूज़ में देखती है, न्यूज़ में पूरा देखती थी। उसके बाद ये इसने देखा कि मेरे पापा को भी लग गई, तो ये था कि पहले मम्मा को लगी फिर पापा को लगी, उसके बाद ये अब पापा के, अब बाद में मेरा नंबर है, भाई है वो मुझसे छोटा है उसको। तो बाद कितनी आयु कितनी है इसकी? 24 है इसकी। तो ये हर वक्त इसका था कि कब इंजेक्शन लगेगा, कब इंजेक्शन लगेगा। तो यहाँ पे जितने भी कोविड सेंटर थे, जितने भी ये वैक्सीनेशन सेंटर थे, रश काफ़ी ज़्यादा रहता था उधर। साथ में इसका था कि इसको ये वैक्सीनेशन सेंटर देखने थे कैसे, आपको ये कहती थी कि ये समझाती थी कि कैसे उधर देखना है कि कैसे वैक्सीन लगाते हैं, कैसे कैसे लोग जा रहे हैं कैसे। अब जैसे कल हम डिग्री कॉलेज में चले गए, तो वहाँ पे गाड़ी में उन्होंने कहा कि गाड़ी में लगा देंगे। तो इसके मैंने इसकी तरफ देखा था, इसका तो कुछ मन ऐसे करने लगा कि मेरे को आप समझ गए कि अंदर जाना चाहती। तो फिर इसको मैंने उनको कहा कि हम अंदर ही ले आएंगे उसके ऊपर। फिर वो ऊपर स्टेयर पे ऊपर चढ़ के गई, ऊपर इसने पूरा देखा कैसे डेस्क लगे। इसके बीच में आपको दिखाना, देखिए खुशी देखिए, मैं अपने कैमरा को थोड़ा सा पैन करके देखें, देखिए खुशी देखिए बच्चे की कि कितनी खुश है। मास्क थोड़ा खोल के हम दिखाना चाहेंगे, हालांकि थोड़ा सा देखिए कि खुशी देखिए आप, देखिए कितना प्रेरणा का स्रोत है। जिस तरह से लोग कोविड वैक्सीन लगाने से बच रहे हैं, और बच्चे का जज्बा देखिए इसका, खुद सेंटर पे जाने की जिद ठानी कि मैं सेंटर पे जाऊंगी, सेंटर में जाके ही वैक्सीन लगाऊंगी। बेटा आज कितने खुश हो आप? पाँव से बता रहे, मुंह से नहीं। देखिए एक्सप्रेशन देखिए आप, इसके एक्सप्रेशन देखिए। अच्छा आपको बुखार हुआ था? अच्छा आप क्या बना रहे हो अभी? क्या थोड़ा पेंटिंग करके दिखाओ हमें, पेंटिंग करके दिखाओ गुड, थोड़ा सा पेंटिंग करके दिखाओ। देखिए पन्ना कैसे पलटा है पेज का, और देखिए पेंटिंग। ये इनके माता पिता के लिए एक बहुत परिश्रम था, लेकिन जिस तरह से बच्चे ने देखिए अपना, इसे कहते हैं कहीं ना कहीं जो इसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए बच्चा इनके लिए बोझ नहीं है, इशारा करता है कि सब लोग वैक्सीन करवाइए। और जिस तरह से इसका जज्बा देखिए, अभी भी देखिए खुशी देखिए कितनी इसके चेहरे पर दिख रही है। सर उसके बाद फिर ये जब आप सेंटर में गए आप, तो क्या उसके बाद घर में जब आई तो क्या कहने लगी?
बड़ी ज़्यादा खुश थी वहाँ के, सबको मदर को बता रही थी कि इंजेक्शन लग गया मेरे को, एक्चुअली हाथ इसके काम नहीं करते हैं, हाथ से कम काम करती है, तो पाँव से तालियाँ ये मार के दिखा रही थी कि अब मैं बड़ी। बचपन से ही डिसेबल्ड? हाँ, बर्थ से ही है। तो आज के जो लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये कोविड का दौर चल रहा है, महाकाल चल रहा है, लोग अभी भी सेंटर पे नहीं जाते हैं वैक्सीन, हालांकि आप तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, लेकिन उनके लिए क्या मैसेज, जो पीछे रहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, इस बच्चे के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए क्योंकि इलाज ही वैक्सीन है, वैक्सीन के सिवा कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि दवाई तो अब सुनने में आया कि कोई दवाई इसकी कोविड की आई हुई है, लेकिन वैक्सीन के सिवा कोई दवाई नहीं है। अभी जैसे न्यूज़ में सारा सुन रहे हैं कि वैक्सीन अगर फर्स्ट डोज में भी कुछ परसेंटेज 50 से ज़्यादा परसेंट आदमी स्क्योर हो जाता है, तो सेकंड डोज के बाद तो ये 90+ आदमी स्क्योर हो रहा है, तो इसलिए वैक्सीन सबसे ज़रूरी है। वैक्सीन के कारण ही यहाँ पे अभी कुछ आदमी को कोविड भी हुआ है, जो बुज़ुर्ग जो हैं तो वैक्सीन लगी थी तो उनको कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं ज़्यादा हुई है, तो ये है कि जानलेवा नहीं है वैक्सीन के बाद, तो हर किसी को वैक्सीन लगानी चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, जो भी 18+ जितने भी, हर आदमी से यही रिक्वेस्ट है कि हर आदमी वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाओ। अच्छा, ये घर में रहती है तो घर में क्या दिनचर्या रहती है, किस तरह से ये कार्य पूरा बात को समझती है, किस तरह से इसका जो है पूरा दिनचर्या रहता है? ये हमसे ज़्यादा इंजॉय करती है, ये इसका खाने का शेड्यूल है, इसका पूरा ये बताती है, आज मैंने गुड्डे का बिस्कुट खाना है, आज मैंने वो खाना है, आज मैंने मैगी खानी है, आज मैंने ये खाना है, अपने ये पेंटिंगें बनाती रहेगी, बुक्स इसकी पड़ी हुई हैं सारी, इसने अपने मस्त अपने रहती है, रूम अपना इसका ये, तो ये रूम बाहर वाली साइड रूम रखा कि मैं नीचे भी देखती रहती है, दुकान है नीचे मेरी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ये इसका अपना शेड्यूल है, ये बड़ी मस्त रहती है अपने हर काम। धन्यवाद अशोक जी। तो आपने देखा कि ये जिस तरह से ये बच्चा, देखिए किस तरह से कोविड की ज़िद पकड़ी कोविड वैक्सीन लगवाने की, और ये सेंटर पर गई, सेंटर पर वैक्सीन लगवाई, घर आने की, देखिए अभी भी मैं आपको दिखा दूँ कि मैं खुद बयान नहीं कर सकता कि इस बच्चे का जज्बा देखिए आप। मैं अपने चैनल के माध्यम से उन सब लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा, पूरे भारतवर्ष के लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि आप आगे आएँ, वैक्सीन लगवाएं। अगर इस तरह का बच्चा अगर वैक्सीन लगवा सकता है, ज़िद कर सकता है कि मैं सेंटर पर जाकर कोविड वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाऊँगी, तो हम लोग क्यों नहीं लगवा सकते। हालांकि थोड़ी देरी तो हो रही है वैक्सीन लगवाने में, लेकिन जिस तरह से इस बच्चे ने अपना जज्बा दिखाया है, वाकई में ये काबिले तारीफ़ है। और इसके साथ ही 120 वर्षीय जो अभी धोली देवी, जो हमारे उधमपुर ज़िला से ही ताल्लुक़ रखती हैं, तहसील लाठी से, उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई थी। और कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं ये समाज के लिए आईना है, समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जो परिवार इनका है वो भी गर्व महसूस करता है कि इस बच्चे ने जिस तरह से अपना एक कर्तव्य दिखाया, हालाँकि मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल सही दिशा पर जो है अपने पिता माता को ले गई और ज़िद पकड़ी कि मैं वैक्सीन जो है सेंटर पर ही लगाऊंगी। और आज इन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, फर्स्ट डोज ले ली है, थोड़ा सा बुखार इन्हें हुआ, लेकिन देखिए इनके चेहरे से खुशी देखिए, ये हम भी बयान नहीं कर सकते। ये इस तरह के लोग अगर आगे आते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, तो हम लोग जो बिल्कुल भगवान की कृपा से बिल्कुल सही हैं, हम लोग क्यों नहीं लगवा सकते, ये भी एक गर्व की बात है और प्रेरणा का स्रोत है जिस तरह से इस बच्चे ने जो है वैक्सीन लगवाई है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग तो वैक्सीन सब लगवा रहे हैं, लेकिन ज़िद की, जिस तरह से अभी सरकार ने कहा था कि 18 से 44 वर्ष के आयु को लोगों को जो वैक्सीन लगेगी ये उसमें फाल करती है, और इसने ज़िद पकड़ी कि मैं भी टीवी, जैसे इनके पिता ने कहा कि वो टीवी खुद देखती है कि वैक्सीन लग रही है, और इसने ज़िद ये पकड़ी कि मैं वैक्सीन सेंटर जाऊंगी, देखूंगी कि वहां पर वैक्सीन किस तरह से लगती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी थे वहां उन्होंने कहा कि हम गाड़ी में ही वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन इसने अपने पिता को इशारों में कहा कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ और अंदर देखना चाहती हूँ कि किस तरह से वहाँ पर वैक्सीन लगती है। वाकई में ये काबिले तारीफ़ है। वीडियो जर्नलिस्ट अचिन दुबे के साथ आशीष दत्त, गुलिस्तान न्यूज़, उधमपुर।